आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हीना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। तेलंगाना स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई, की समृद्धि की कामना। मायावती ने अमेरिका में दलितों पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी को घेरा। पहलवानों के मामले में एक्शन में बीजेपी हाईकमान, भूलभूषण को बयानबाजी न करने को कहा। मध्य प्रदेश, दमोह के स्कूलों ने विवाद के बाद बदला ड्रेस कोड, अब हिजाब जरूरी नहीं। उत्तर प्रदेश, अयोध्या में 5 जून को रैली करने वाले थे भूलभूषण शरण सिंह, प्रशासन ने नहीं दिया अनुमति। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने दी लॉकअप में वकील से मिलने की अनुमति। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जून तक होगी। रांची, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी संपन्न नेहरा को पंजाब से दिल्ली ला रही पुलिस, बठिंडा जेल में था बंद। छत्तीसगढ़, महिला पहलवानों के समर्थन में नक्सली कॉन्केर में लगाए पोस्टर। हरियाणा, पहलवानों के समर्थन में आज कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत, तय होगी आंदोलन की रणनीति। पीएम मोदी के मन की बात पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर आज। बिहार में 35 साल बाद बदलेगा विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, रोजगार पर होगा जोर। गाजीपुर, मुख्तार अंसारी गैंग के अंगद राय पर एक्शन, 4,58,00,000 से अधिक की संपत्ति जब्त। उत्तर प्रदेश, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए बीजेपी की टिफिन बैठक, जेपी नड्डा आगरा से करेंगे शुरुआत। हंगरी में नए शिक्षक कानून और पुलिस हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर, राजौरी के दस्तल जंगल में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। पड़ोसी का निकला दिवाला, पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ दी सभी रिकॉर्ड। श्रीलंका से भी बुरा हाल, अब IMF ही है अंतिम सहारा। मुस्लिम लीग पूरी तरह सेक्युलर पार्टी, केरल में गठबंधन को लेकर अमेरिकी में बोले राहुल गांधी। नेटो में जल्द शामिल हो सकता है स्वीडन, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। साक्षी हत्याकांड, जिस चाकू से साहिल ने किए थे ताबड़तोड़ वार, दिल्ली पुलिस ने किया बरामद। एयरफोर्स की महिला अधिकारी को दिया शादी का प्रस्ताव और ठग लिए लाखों रुपए। मुंबई में कुत्तों की दहशत, हर घंटे 10 को बना रहे शिकार, 5 साल में पहली मौत। 2024 में हारेगी बीजेपी, राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए क्या कुछ बोले संजय राउत। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।